मेरी एक बच्ची को किसने चुराया? इस बच्ची को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ और इसे भी ठिकाने लगा दो। क्या इनकी ये औलाद अरमान और आसमां को पास लाने का जरिया बनेगी? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आलिया है वो ये बात जान लेती है कि आसमां ने एक बेटी को जन्म दिया है। आसमां के जहाँ पर गोली लग जाती है वहाँ अरमान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। मेरी एक बच्ची को किसने चुराया? इस बच्ची को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ और इसे भी ठिकाने लगा दो। क्या इनकी ये औलाद अरमान और आसमां को पास लाने का जरिया बनी? जिसके बाद हम ये देखते हैं कि आसमां एक बच्ची को जन्म देती है जिसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर भी होती है। अरमान ये तो नहीं जानता कि आसमां की जो डिलीवरी है वो काफी डिफिकल्ट है, बस वो एक नॉर्मली एक औरत के लिए दुआ करता है। और यहाँ पर जो है फिर आसमां देती है एक बेटी को जन्म। जब आलिया को ये बात पता लगती है तो आलिया भी आसमां से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को लेकर जा रही होती है। तभी मौके पर अरमान पहुंच जाता है। अरमान पूछता है कि रुको, ये किसकी बेटी लेकर जा रही हो? आलिया ने अपना चेहरा मास्क से छुपाया होता है। अरमान को नहीं पता कि ये आलिया है और आसमां की बेटी लेकर जा रही है। अरमान ने जनरली ये बात बोल दी है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ अरमान को आलिया अपनी बातों में जरूर लेगी। दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में अब आपको बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है। जब आसमां को पता लगेगा तो आसमां भी बिलक बिलक कर परेशान होती हुई दिखाई देगी। यानी कि ये जो शो में लीप आने वाला है वो काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। हो सकता है कि आलिया ही जो है वो आसमां की बेटी को बड़ा करे। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जहां पर अरमान, आसमां और आलिया इन तीनों के रास्ते अब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ इनकी नई जनरेशन भी आ गई है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।